रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम लजीज खानों के साथ आपकी हिज्मत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही चटपटी है और बहुत ही मौसम के एतबार से बहुत ही लजीज है। तो आपका वक्त ज़ाय किए बगैर मैं बताती हूँ कि आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाले पराठे विद चिकन एंड चीज़ फ्लेवर। तो आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का पाक नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम लोग ने 2 से 3 अदद आलू लिए हैं, इसको मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ। साथ ही हमने कटा हुआ चॉप किया हुआ जो प्याज है, ये एक अदद छोटा प्याज है, इसको हम बीच में ऐड कर लेते हैं। साथ में हमें जो है लच्छेदार जो है वो अदरक, ये भी एक आप कह लें कि चुटकी भर है। साथ में हरी मिर्चें और टमाटर, ये भी चॉप की हुई हैं। ये हो गए हमारे जो है सब्ज़ मसाला जात। अच्छा जी, और उसके साथ अब हम जो है लाल मसाला जात की तरफ जाएंगे। तो उसके साथ हमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/2 चाय का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/2 चाय का चम्मच, नमक जो है हसबे ज़रूरत चाहिए, मैंने भी 1/2 चाय का चम्मच लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ हमें ज़ीरा चाहिए, उसके साथ हमें खुश्क धनिया पाउडर चाहिए, ये साबुत धनिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो पीसा हुआ यूज़ किया क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो साबुत धनिया के करीब कम ही जाते हैं। साथ में हमने जो है इसके साथ चुटकी भर जो है अनारदाना यूज़ किया मैंने ये, और लास्ट में हमने काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच यूज़ किया, ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ अब हम जो है चिकन को जो है लेते हैं। चिकन मैंने एक जो है ये छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये आप 2 से 3 औंस का होगा या फिर आप कह लें कि इंच का होगा, ये आप इसको इस तरह से क्रश कर लें, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, वैसे आप जो है इनके छुरी की मदद से भी स्लाइसेस कर सकते हैं। ये बॉईल किया हुआ है। अच्छा जी, अब ये जो है कुतरा हुआ धनिया है, ये भी आपने हसबे ज़रूरत लेना है। ये 2 से 3 अदद आलूओं की जो है रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो अक्सर लोग जो है पराठे का या हैवी नाश्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा दिन उन्होंने गुजारना होता है, लंच ब्रेक तक उन्होंने कुछ नहीं लेना होता, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और साथ में अगर आपने दोपहर में अगर लेना है तो उसके बाद आप रात को हल्का फुल्का जो लोग लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही कारामद रेसिपी है। इसको हम जो है हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। लीजिए नाज़रीन, हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, कितनी खूबसूरत जो है रंगत भी आ गई है और इसने एक खूबसूरत सा फ्लेवर मेरा ख्याल है पकड़ लिया होगा। इसके साथ हम जो है अब आटे की तरफ जाते हैं, हमारे साथ चीज़ पड़ी हुई है, हम पहले जो है पेड़े बनाते हैं उसके बाद जो है उसमें चीज़ का फ्लेवर ऐड करते हैं। इसमें चिकन और आलू अच्छी तरह जो है मिक्स हो चुके हैं। ये हमारे जो हैं वो हमने थोड़ा से इनको लंबा कर दिया पेड़ों को, इसको जितना शेप चाहिए वो आ गई है। उसमें हम सबसे पहले देसी घी के साथ में जो है पराठा बना रही हूँ, इसके सबके साथ हमने थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। इसके साथ हम जो फिलिंग लेंगे, फिलिंग को ऐड करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हमने जो है इसको बंद करने से पहले थोड़ी सी जो है चीज़ को क्रश कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इस चीज़ का जो है फ्लेवर वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। चूल्हे की आंच को मीडियम रखा हुआ है। चंद लम्हों में ये जो है रेसिपी तैयार होने वाली है और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक खूबसूरत पैगाम ज़रूर ले लीजिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। Oh, 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 oh
याद कि हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आलू वाला पराठा विद चीज़ एंड चिकन फ्लेवर। उसके साथ हम देखिए कि मैंने जो है वो पराठे के स्लाइसेस भी कर दिए हैं। आजकल के बच्चों को जो है वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस जिसना बहुत पसंद है, बर्गर स्लाइसेस बहुत पसंद है, तो उन्हें ये पराठे के भी स्लाइसेस बहुत पसंद आएंगे। और होपफुली कि आपके घर में जब ये रेसिपी बनेगी तो आप बहुत ज़्यादा तारीफ जो है वो हासिल कर सकेंगी। तो लास्ट में यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।